उनका बस की मजाक चल ही रहा होता है कि उतने में जी आ जाती है। गाइस लगता है जी आ गई। तो ये लड़की तो बड़ी फास्ट है, बहुत जल्दी आ गई। अरे जी आओ ना, अंदर आओ। तो फिर कैसा लगा हमारा घर? बहुत सुंदर है। गाइस जी आ गई है, जल्दी से आ जाओ। जी जब उनसे मिल रही होती है तब जिमिन और जिन को देख के वो बहुत शॉक हो जाती है। और ऐसी कुछ सेम हालत जिन और जिमिन की भी होती है। जी को नहीं पता था कि जिमिन और जिन वी के फ्रेंड है। क्या हुआ गाइस, तुम एक दूसरे को ऐसे देख रहे हो जैसे कि तुम एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। जी क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ नहीं, मैं नहीं जानती इनको। क्यों झूठ बोल रही हो? हाँ जी क्यों झूठ बोल रही हो, तुम हमें नहीं जानती? नहीं मैंने तो तुम्हें पहली बार ही देखा है, मैं नहीं जानती तुम्हें। अच्छा ठीक है, लगता है तुम भूल गई हमें। फिर रात के डिनर के बाद वी जी को उसके घर छोड़ने चला जाता है। तब जिमिन और जिन बाकी सबको बता देते हैं कि जिन को मार्केट में टकराई हुई लड़की और जिमिन की जिसने केक शॉप में इंसल्ट की थी वो लड़की दूसरी तीसरी कोई ना होके जी थी। और ये बात सुन के सारे फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। हमें ये बात जल्द से जल्द वी को बतानी पड़ेगी। तुम्हें सच में लगता है कि अगर हम वी को ये सब कुछ बता दे तो वो उस पे ट्रस्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा, हम बता रहे तो जरूर करेगा। जेके देखा नहीं तुमने, वो उस लड़की से कितना अटैच हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी इजीली हमारी बातों पे ट्रस्ट करेगा। पर मुझे लगता है कि वो लड़की भी वी से उतना ही प्यार करती है। नहीं होबी, वो जिस तरीके से बात करती है और जैसे उसका बिहेवियर है ना, उससे तो मुझे नहीं लगता कि उसे प्यार शब्द का मतलब भी पता होगा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि जिस तरीके से वो केक शॉप में मुझ पे पैसे फेंक रही थी उससे तो एक बात साबित हो रही है कि वो अमीर घराने की लड़की है। पर फिर वो वी के पीछे क्यों पड़ी है? जरूर इसकी बहुत बड़ी वजह होगी, ढूंढना पड़ेगा हमें। गाइस वी को बचाने में मेरे साथ दोगे? हाँ जरूर देंगे। मिशन जी की पोल खोल स्टार्ट। जब वी जी को छोड़ के घर आ जाता है तब जिन और जिमिन उसे जी के बारे में सब कुछ बता देते हैं। क्या गाइस, मैं घर आया नहीं कि मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तुमने। लड़की कैसी लगी ये तो बता देते पहले, मजाक बाद में भी किया जा सकता है। चलो अब मैं चला सोने, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आप देर यहाँ रुका ना तो तुम मुझे पागल कर डालोगे। देखा मैंने कहा था ना ये हमारी बात पे विश्वास नहीं करेगा। कोई बताओ इसे, हम इसके साथ मजाक नहीं कर रहे, ये सच है। हेलो वी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मैं तो अभी उठा हूँ। क्या तुम इतनी देर सो रहे हो? चलो जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ 5 मिनट में। क्या 5 मिनट में? कहाँ जाने वाले हम? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ रेडी रहना, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में।
वी घर आ गया है, मॉम वेट कर रही होगी। मैंने मॉम को पहले ही बता दिया था कि तुम आज हमारी शादी की बात करने आ रहे हो, और अगर तुम आज आए नहीं तो मॉम को बहुत बुरा लगेगा। और फिर पता नहीं मॉम हमारी शादी के लिए मानेगी भी या नहीं। नहीं जी, मैं आ रहा हूँ। मैं आज ही तुम्हारे मॉम से हमारी शादी के बारे में बात करूंगा। थैंक यू वी, आई एम सो हैप्पी। चलो चलो जल्दी से चलते हैं। वैसे मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना, नहीं तो बाद में पता चले कि तुम्हारी मॉम मुझसे इंप्रेस ही नहीं हुई। बहुत हैंडसम लग रहे हो, मुझे तो 100% गारंटी है मॉम तो तुम्हें देखते ही हाँ कह देगी। अब यही करोगे, शर्मा के रहोगे या फिर अंदर भी चलोगे? मैं नर्वस हो रहा हूँ यार। वी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ चलो फिर। बाप रे जी, तुम्हारा घर तो कितना बड़ा है।